मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पर अपने गृह जिले जोधपुर में जमकर हमला बोला। उन्होंने पीएम मोदी और भाजपा अध्यक्ष शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कहा कि दोनों ही मीडिया के सामने हंसी का पात्र बने, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। 5 साल तक कभी मोदी मीडिया के सामने नहीं आए और अब मीडिया के सामने आकर किसी योजना और विकास पर बात नहीं की। वहीं गहलोत ने भाजपा सरकार पर इतिहास से छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी और वसुंधरा सरकार ने इतिहास से छेड़छाड़ का काम किया है। आजादी की जंग में अंगुली तक भाजपा ने नहीं कटाई, खुद ने इतिहास नहीं बनाया तो दूसरों के इतिहास से छेड़छाड़ कर रहे हैं। आज वो गुफा में बैठे हैं, भगवा पहन के बैठे हुए हैं और पता नहीं वो क्या मैसेज देना चाहते देश को और दुनिया को। दुनिया भर देख रही है कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कभी पशुपति मंदिर जाते हैं तो कभी गुफा में जाके बैठते हैं, तो पूरा देश और दुनिया देख रही है उनको, राजनीति के अंदर भी। जो इतिहास से छेड़छाड़ करेगा जैसे मोदी जी और उनके सरकार ने किया है, वसुंधरा जी उनकी सरकार ने किया है, जहाँ जहाँ बीजेपी गवर्नमेंट बनती है पूरे देश के अंदर, वहाँ वहाँ वो इतिहास खुद ने तो बनाया नहीं है, ना तो इन्होंने भाग लिया कोई आज़ादी की जंग के अंदर। उंगली नहीं कटाई लोगों ने आज़ादी की जंग में, अपनी उंगली नहीं कटाई, वो इन लोग हैं सत्ता में जरूर आ गए हैं। जब खुद ने इतिहास नहीं बनाया तो दूसरों के इतिहास को